क्या कहना चाहेंगे? अभी अभी हमने फिल्म कंप्लीट की है नेले पे देला, सेम प्रोड्यूसर सेम डायरेक्टर, और अब इनकी अगली फिल्म इन लोगों ने प्लान कर ली जल्दी जल्दी, और आज इसका मुहूर्त है। सेम स्टार कास्ट भी है, पवन जी है इसमें, और आप मुझे लगता है कि पवन जी को पहली बार बहुत डिफरेंट लुक में पूरी इंडस्ट्री भोजपुरी एक्चुअली इंडस्ट्री देखेगी। जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हैं, पवन जी दो अवतार में है, तो कुछ डिफरेंट सा बहुत अच्छा ऑडियंस के लिए पवन जी की तरफ से होगा, पवन जी का एक नया लुक। अच्छा लगता है जब आप एक यूनिट के साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ लाइन से काम करते हैं, डेट मीन आपकी काम को आपका प्रोडक्शन आपका डायरेक्शन डिपार्टमेंट सराह रहा है और वो बहुत पसंद कर रहा है आपको, इसलिए वो आपको रिपीट कर रहे हैं। मुझे परसों ही धीरेन्द्र जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले फिल्म, अगर आपके पास समय होगा तो हम लोग सितंबर एंड से शूटिंग करेंगे। मैंने कहा सर आपके लिए समय ही समय है, क्योंकि हम लोगों ने इतना मज़ा किया था शूटिंग पे, कहीं नहीं लग रहा था कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, फ़न हो रहा था और फ़न के करते करते गाना ख़त्म हो गया, और फिल्म का बेहतरीन गाना वो मैंने अभी देखा है, बहुत बेहतरीन, आई थिंक फिल्म का बेस्ट सॉन्ग वो हुआ है। तो जहाँ खुशी और प्यार होता है, जहाँ बहुत सारा यूनिटी होती है, वहाँ पे अच्छा काम होता है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउस में काम करूँ, इसलिए मैं फिल्म दोबारा कर रही हूँ उन प्रोडक्शन हाउस के साथ। अनारा को भी डेफिनेटली आप बहुत डिफरेंट रूप में देखेंगे, अभी स्टोरी पे क्योंकि काम चल रहा है मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मुझे हिंट दिया गया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा अब तक का आज मेरी मतलब पूरा जो जर्नी है मेरी एक्ट्रेस की अब तक का सबसे डिफरेंट करेक्टर है वो बहुत। वेस्टर्न लुक की एंट्री मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ हमारा भोजपुरी क्योंकि बहुत ठेठ मानती है ऑडियंस घाघरा चोली, और मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी हीरोइनों को डिफरेंट लुक में देखे, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत डिफरेंट दिखूँ अलग दिखूँ। जैसे आज मैंने बहुत डिफरेंट लुक किया हुआ है, मुझे लगता है क्योंकि मेरा जो रोल है इस फिल्म में वो बहुत थोड़ा ऐसा ही है, ग्लैमरस है, अगेन ग्लैमरस है, लेकिन ये ऐसा है कि हीरोइन ऐसी भी हो सकती है, ये एक्चुअली किसी ने नहीं सोचा होगा, तो ये वो फिल्म है। रनिंग में मैं एक्चुअली चाह रही हूँ एक पंजाबी फिल्म जो मैं सितंबर एंडिंग या अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू करूँगी। अगस्त से मेरी फिल्म है दबंगई, अगस्त से दबंगई को शूट करूँगी, जिसके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा जी, प्रोड्यूसर आशीष जी हैं, उसमें रवि किशन जी हैं। उसके बाद फिर मेरी एक और फिल्म है जिसमें खेसारी है, फिर ये आ जाएगी सितंबर एंडिंग से, अक्टूबर से मैं अपना पंजाबी फिल्म करूँगी, और दिसंबर एंडिंग से मैं हिंदी फिल्म कर रही हूँ, इसका टाइटल है 1090। तो फुल है, काम है, भगवान का आशीर्वाद है, और आप मीडिया का सपोर्ट है, आप हर जगह दिखाते हैं तो हमारी फैन फॉलोइंग और बढ़ती है, बस आपका प्यार चाहिए, हमें तरक्की आगे आगे है। थैंक यू।